क्यों पब्लिक को अंधे बना रहे हो? जो विकास झुग्गी झोपड़ी में होना चाहिए वो किया नहीं। हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है कि झुग्गी बांग्लादेशियों की है। अगर हम बीजेपी को वोट हमारे नाना नानी दादा दादी सब हाथ को ही देंगे हम कांग्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन और मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और लगातार दिल्ली की जनता के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दों को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं और कई सारे वादे भी हो रहे हैं। दिल्ली एमसीडी की बात की जाए तो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी पर राज है और इस बार आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि वो परिवर्तन चाहती है और दिल्ली की जनता ने भी परिवर्तन का मूड बना लिया है। लेकिन थोड़ा सा आपको हम जानकारी ये दे देते हैं कि पहले दरअसल पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2017 में उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार जो परिसीमन हुआ है उसमें वार्डों की संख्या भी घटी है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, जो भी पार्टी जीतेगी, इस बार का मेयर होगा एक और दिल्ली की जनता किसे चुनेगी वो दिल्ली की जनता को ही तय करना है। दिल्ली के प्रीत विहार में मैं आ चुका हूँ। तमाम दिल्ली के लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधे मैं उन्हीं के पास चलता हूँ और जानने और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर समस्या क्या है और किन मुद्दों को लेकर इस बार एमसीडी में वो अपने प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास, आपका क्या नाम है आपका? सिराज। आप यहीं रहते हैं? अभी एमसीडी का चुनाव आने वाला है, बिल्कुल नेता आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, क्या समझ में आ रहा है आपको इस बार एमसीडी? यहाँ तो आम आदमी का पार्टी का ज़्यादा जोर चल रहा है जी। लेकिन पिछले 15 सालों से तो बीजेपी है, तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी है? कोई काम नहीं किया उन्होंने बीजेपी ने, सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। क्या क्या काम? जैसे झूठ बोलना, यही काम करते, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं? आम आदमी पार्टी सही काम करे, वैसे भी बिजली पानी फ्री दे रही है सभी को, इतने गरीब आदमी को यही चाहिए होता और क्या। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दे हैं एमसीडी चुनाव में इस बार? एमसीडी में ये मुद्दे हैं कि जो इलेक्शन में जो हमारे पहले बबीता खन्ना थी यहाँ पर जो जीती हुई थी, उन्होंने हमारे क्षेत्र में तो कोई काम की, विकास का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब ये है कि विकास हम चाहते हैं, अगर हमारे जो नए जो निगम पार्षद जो आएंगे वो हमारे क्षेत्र में बढ़िया विकास करें और हमारा यहाँ पर नगर निगम में बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाए और पानी की व्यवस्था मिले और जल और बिजली मिले, ये सब व्यवस्था हमको मिलनी चाहिए यहाँ से। इस बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि परिवर्तन होगा, बीजेपी के पिछले 15 सालों के राज से आम जनता परेशान है, क्या ये बात सच है? ये कुछ भी सच नहीं है। अभी हम चित्रा बिहार झुग्गी दिखाते हैं कितनी गंदगी फैली पड़ी है और इतनी गंदगी है, कीड़े हो रहे हैं, जितना कोई साफ सुथरा कुछ भी नहीं है। देखो आप जाके पूरा घुमाओ उसको, कैमरे को पूरे में अंदर घूमो, इतनी गंदगी हो गई है। हम तो चाहते हैं कोई अच्छा काम करने वाला हो, गरीब लोग हैं, परेशान हैं, इनका काम हो, अच्छी सुविधा चाहिए इनको, अच्छी घर चाहिए। भैया घर कब तक दोगे, कहाँ दोगे घर, कौन सा घर मिलने वाला है ये तो बताओ हमें। चित्रा बिहार परेशान है लोग, यहाँ पे यहाँ किराएदार भर रखे हैं लोगों ने, हम परेशान हैं जो यहाँ के रहने वाले, वो मज़े मार रहे हैं यहाँ पे। आप चाहते क्या, क्या परिवर्तन क्या हो? हम चाहते हैं कोई अच्छा नेता खड़ा हो, बढ़िया हो, चाहे आम आदमियों का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हम ये चाहते हैं कि नाली वाली एक बार दिखाओ, थोड़ा घुमा के दिखाओ, अच्छा काम चाहते हैं, ना कोई मच्छर का काम है। देखो कितना डेंगू मच्छर मलेरिया दुनिया भर का हो रहा है। दिल्ली का बॉस कौन, कौन सी पार्टी से आप चाहेंगे कि इस बार एमसीडी में उसकी सरकार बने? मैं तो चाहूँगा, अब क्या बताऊँ उसके बारे में, वो अच्छा काम करे तो मैं तो वही चाहूँगा, वही काम करेगी, मैं तो वैसे कांग्रेस को ही चाहता हूँ। चलिए, कांग्रेस का ना क्या लगता है आपको, इतना आसान है? सबसे अच्छा केजरीवाल है, केजरीवाल छोड़ा का अच्छा कोई नहीं है। क्यों क्यों, केजरीवाल साहब तो एमसीडी में तो बीजेपी है ना? अब केजरीवाल आएगा, बताइए तो क्यों केजरीवाल आएगा, वो अच्छा लगता है हमको, केजरीवाल अच्छा लगता है। चलिए कुछ काम बताइए केजरीवाल। नाम मेरा मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साहब काम तो बताइए, क्यों केजरीवाल आए, केजरीवाल क्यों आए? बीजेपी पिछले 15 सालों से है तो केजरीवाल को जनता मौका क्यों दें? केजरीवाल को मौका इसलिए देगा कि वो बीजेपी थरिया बजवाता है, थरिया बजाने से क्या होता है, है? बस मेरे केजरीवाल अच्छा लगता है, केजरीवाल आना चाहिए। आप बताइए, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। समस्या आपको पता होंगी, हाँ, नेता आ ही रहे होंगे। हाँ जी। क्या वादे हो रहे हैं और आप क्या चाहती हैं? यहाँ पे तो हमने देख लिया, आम आदमी पार्टी हमारे में अभी जो एमसीडी का इलेक्शन है इसमें जो आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया हुआ है, यहाँ के कार्यकर्ता को भी नहीं किया है पहली बात, वो दूसरे एरिया से हमारे एरिया में लड़ रहे हैं तो वो हमारा क्या भला करेंगे। हमें छोटी झुग्गियों बस्तियों में रहते हैं तो हमें चाहिए होता है नाली का, सैनिटेशन का जो भी काम होता है वो चाहिए होता है, ठीक है? बीजेपी के बंदा हमारे पास में कभी आया नहीं, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो हमारे लिए क्या काम करेगा?
और ये हम कांग्रेस इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी काम किया और अभी है ना हमारे पास में मच्छर की इतनी समस्या हो रही है, नालियों की समस्या हो रही है जो हमारे लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें तो कर नहीं सकते हैं, रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, वो हम बिजनेसमैन वाली बात नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी आए ठीक है और अरविंद केजरीवाल जैसे भी एक पार्टी को तो चुनना ही होगा ना आपको। नहीं हम कांग्रेस को चुनेंगे, हम कांग्रेस को लगता है इतना आसान है कांग्रेस का आना? आसान नहीं है पर हम करेंगे कोशिश, यहाँ के लोग करेंगे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने यहाँ काम देखा है, गरीब लोग हैं कमाते हैं पर उनका काम भी देखा है। ठीक है, आपको लगता है कि लोगों ने काम देखा इस बार काम पर वोट होगा, कौन दिल्ली का बॉस? दिल्ली का बॉस तो जी सर बीजेपी फिर आ रही है, क्यों मुंडी उनका चल रहा है लहर उनका, आए दिन केजरीवाल जी का नया नया पोल खुल रहा है, उनके सारे विधायक मंत्री जेल जा रहे हैं, कांग्रेस के जेल जा रहे हैं, बीजेपी पर ना कोई छापा पड़ रहा है ना कुछ हो रहा है उन पर, तो बीजेपी आनी है। वो तो कहते हैं कि एजेंसियां उनकी है तो छापा अपने पर नहीं पड़वाते हैं दूसरों पर, बीजेपी आनी है जी। हमारे झुग्गी में जब भी काम हुआ कांग्रेस ने किया है, नाली उन्होंने बनवाई, पटरियाँ उन्होंने बनवाई, टोटियाँ उन्होंने लगवाई, हमारी झुग्गियों में मीटरें उन्होंने लगवाई, आज तक हमारे यहाँ से 15 साल जी विधायक है ओमप्रकाश शर्मा जी, यहाँ से बबीता खन्ना 5 साल होकर रह के चली गई, आज तक झुग्गी में एक बार भी कोई आई हो घूमने के लिए तो आप पूछ लो किसी से, पर फिर भी बीजेपी आएगी। ठीक है, आप बीजेपी आएगी ये कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, बीजेपी आएगी। एक दिल्ली में 69वीं विधानसभा है 70 विधानसभाओं में से, आज दिन तक केजरीवाल ने खाता नहीं खोल पाया इस विश्वास नगर में, एक पार्षद नहीं जीत पाया, बोलिए किस प्रकार को उसको वोट दिया जाएगा, जो आदमी लोगों को चूतिया बना रहा है, ये कर रहा है, ये लोगों को तो पता नहीं कि राशन कहाँ से आ रहा है क्या हो रहा है, अब अगले महीने ये खाएंगे ना तब फिर केजरीवाल का गुण गाएंगे। पिछली बार तो सीटें आई थी आम आदमी पार्टी, नहीं हाँ एक भी नहीं आई है, ये ऐसी विधानसभा है विश्वास नगर के, ये मैं तो आज दिन तक केजरीवाल ने पैर नहीं रख पाया। किसकी हवा चल रही है, किसका दबदबा? युगिन में तो बीजेपी बीजेपी बीजेपी, हम अपना कलंक छुड़ाना चाहते हैं, अगर हम बीजेपी को बोल चुप रहो, चुप आराम से मुद्दों नहीं नहीं मुद्दों की बात, अरे भाई आराम से मुद्दों आराम से नहीं नहीं सवालों पर बात हो कोई पर्सनल, अंकल आप बुजुर्ग हैं आप समझते चीजों को, सवालों पर बात हो, चलिए जो बोल रहा है नहीं नहीं जो बोल रहा है तब इससे कोई बोला था इसके बहुत, देखिए आप आइए 5 तारीख को 4 तारीख को वोट खुलेंगे, 5 तारीख को आइए, इसमें सबसे ज्यादा हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है कि झुग्गी बांग्लादेशियों की है, क्यों है बांग्लादेशियों की है झुग्गी, कहते बीजेपी वालों का वोट नहीं, अभी पिछली बार जो वोट पड़ा ओम प्रकाश शर्मा का एक पैसा खर्चा नहीं किया और 600 वोट मिले ओम प्रकाश शर्मा को पिछली बार का, अभी अभी का जो जो है विधानसभा का चुनाव, और कांग्रेस को 65 वोट मिले और यहाँ पर 135 वोट उसको मिले का नाम आम आदमी पार्टी को, तो ये है कि यहाँ का कोई भी दत्त नहीं है, ये हम चलो झुग्गी वाले चले भी जाएंगे लेकिन इन लोगों के यहाँ पर इन सब पूछे जाके कोई भी आदमी वोट देने को राजी नहीं है, और ये पक्की बात है आप 5 तारीख को आइए, अगर जहाँ से अगर बीजेपी न जीते तो जूते मार के यहाँ से मुझे बाहर निकालिए। क्या नाम बता दीजिए? क्या नाम? राम सिंह भाई साहब, चेहरा देखिए। और मैं 7 बार इलेक्शन लड़ चुका, 7 बार इलेक्शन मेरे एमपी से लेके 2 बार। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नूर। आप बताइए क्या ये जो बात कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया 15 साल से बीजेपी ने काम किया नहीं है, तो अब उनका नंबर है? इन्होंने सच सही बोला, ये सब ऐसे ही बोलते हैं जो जिसको यहाँ पे जो है ना बबीता खन्ना के वजह से लोगों में नाराजगी है। अच्छा, नाराजगी क्या है आप लोगों के जहन में जो नाराजगी इतनी है? उन्होंने मतलब कभी घूम के आई नहीं, जो विकास झुग्गी झोपड़ी में होना चाहिए वो किया नहीं। अच्छा, दिल्ली में एक पॉल्यूशन का मुद्दा था, बिजली का है, पानी का है, सफाई का है, ये मुद्दे हैं आपके जहन में, आपको लगता है 15 सालों में इनका ऐसा है सर? कोई मुद्दे नहीं ऐसा है, अगर हमको जी रहे बैलेंस आ रहा है तो पड़ोसी वाला के 4000 टका आ रहा है, तो पैसे पड़ोसी कहाँ 4000 रुपया भरेगा उसको? अच्छा, जितना लाइट मेरा चलता है उतना उसका भी बिजली चलता है, तब मेरा 0 बैलेंस रहा है तो पड़ोसी वाले 4000 रुपया आ रहा है तो कहाँ से बिजली भरेगा वो? हैं आप आ गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू गुप्ता है। यही रहते हैं आप? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नेता आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे। क्या है दिल्ली का बॉस कौन? दिल्ली का बोझ देखो 5 तारीख के बाद पता लगेगा, अभी तो देखो तो आप लोगों को नहीं तहीं तो करेंगे, वो तो कर लिया होगा आप लोग, 5 तारीख को करेंगे, कर लिया होगा, मन तो बना लिया, वो तो मन बना हुआ है,
ऐसा कुछ नहीं, कोई बीजेपी का नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं। देखो ये समस्याएं हैं, आप यहाँ समस्याएं बताएं। देखो समस्याएं जनता के सामने आज तक, देखो हमारे पीछे जो काउंसलर रह चुकी हैं बबीता खन्ना जी जो रह चुकी हैं काउंसलर, उन्होंने कोई काम नहीं करा। उनको काम करना चाहिए था। आज गलियों की इतनी बुरी हालत है, नालियों में इतनी गंदगी, क्या यहाँ बच्चे नहीं रहते? यहाँ भी तो इंसान रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में क्या इंसान नहीं रहते हैं? सिर्फ इलेक्शन वाले दिन ही लोगों को याद आती, क्यों आती है भाई? देखिए ये एक बड़ी समस्या है, परेशानी रहती है, शिकायत भी रहती है कि जब इलेक्शन होता है तभी नेता आते हैं, क्या सही बात है? नहीं, गलत है भाई। हमारे लिए तो नेता हमारा टाइम टू टाइम आता है। आप कौन नेता है, कौन सी पार्टी है? बबीता खन्ना भाई बहुत बार आई है, आप लोगों ने नहीं देखा वो आपकी बात है, हमारे कोई काम नहीं रुके। वो तो कह रहे हैं कभी देखा ही नहीं उनको यहाँ। क्या देखा, कोई नहीं कह सकता। हमारे बहुत काम हुए हैं और हर चीज़ हुई है। लहर जो है वो बीजेपी की ही है, और कुछ भी इस एरिया से अगर कोई नहीं जीत सकता बीजेपी के अलावा। अच्छा आप यहीं रहते हैं? अच्छा आप ठीक है, ये एक एक आप बताइए, ये लहर की बात कह रहे हैं, लेकिन लहर तो कई बार जब ये जो लहर की बात हो रही है, जो हम जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, असली हमारे जो यहाँ के निवासी हैं ना, जो असली निवासी हमारे अभी सारे काम पे गए हुए हैं। नहीं नहीं, जो हमारे मेन वोटर है, जो काम करने वाले हैं, हम लोग तो अभी इतने लोग हैं जिसमें हमारे डिबेट हो रही है, इसमें हम लोग सारे मिक्स हैं, ठीक है, इतने ही लोग हैं इसमें, तो हमारे कितने 1100 वोटर हैं करीबन हमारे, तो वो सारे फैसला करते हैं 1100, लेकिन वो सारे हैं ना समझदार है, ऐसे बात नहीं है। लहर आती है, चली भी जाती है। तो इस बार पिछली बार बीजेपी को मौका दिया था, बहुत अच्छे से दिया था, सपोर्ट किया था यहाँ के लोगों ने, ऐसे बात नहीं है कि चलो बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक, मैं कुछ और लोगों से राय जानने की कोशिश करता हूँ, आप पीछे आ जाइए, आप आ जाएं, नहीं बोलेंगे। अच्छा आप आइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या है दिक्कतें, और दिल्ली का बॉस कौन, हमारा ये प्रोग्राम भी चल रहा है, आपके मन में क्या है, अरविंद केजरीवाल या बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी है सर। बीजेपी क्यों? बीजेपी है, सब काम करे सर, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि समस्याएं ऐसी हैं, बीजेपी सही है सर, बीजेपी सही है। आपके हिसाब से? देखिए कोई भी नेता है, कोई कुछ करता है, आता है वोट जीत के जाता है, कोई झांक करके नहीं देखते हैं। यहाँ कम से कम पब्लिक को देखना चाहिए कि हाँ पब्लिकों को क्या दिक्कत है या नहीं है, क्या मुसीबत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, बीजेपी हो, कोई भी आकर के नहीं देखे। वोट लेने की टाइम में सबने आता है कि हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करने के लिए कोई नहीं आते हैं सर। ठीक है, अगर नहीं आप करने के लिए आते हो, आप सब वोट लेने के लिए क्यों आते हो? क्यों पब्लिक को अंधे बना रहे हो? ये अंधे बना करके सबने वोट लेकर के घर में जा करके बैठ जाते हो। पब्लिकों को क्या दिक्कत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सब आपको कोई मसला हल नहीं करने वाले हैं। और कोई गरीब लोग कोई कहीं कुछ हो भी रहा है तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप बताइए, ये बताइए क्या है समस्या, ये बताइए मुझे, दिल्ली का बॉस कौन आपके हिसाब से? दिल्ली का बॉस केजरीवाल बनेगा बताइए। क्या दिल्ली का, दिल्ली में किस मतलब किसकी सरकार बनेगी? यहाँ तो बीजेपी का सरकार बनेगी। नहीं, इस बार जो चुनाव चल रहा है एमसीडी का आने वाला है, उसमें क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार बने? बीजेपी का। क्यों बीजेपी की सरकार? क्यों? बीजेपी काम कर रहा है इसलिए कर रहे हैं ना। बताइए दो चार काम बताइए। काम देश के लिए तो बहुत कुछ किया बीजेपी ने। एमसीडी के लिए क्या काम किया? एमसीडी के लिए जिसको जिताए के लिए क्या किया? मेरे लिए कुछ नहीं कहना है। और मैं कुछ लोगों से राय लेने की कोशिश करता हूँ, आप बताइए भाई साहब, आप बताइए। हाँ आप आ गया, सुनो मेरी बात, सुनो क्या होता है, एमसीडी में कोई काम नहीं करा बीजेपी ने, कोई काम नहीं करा। वैसे काम प्रधानमंत्री ने अच्छे करे हैं, बाहर से बहुत अच्छे काम करे हैं, मगर ये कहने की बात है कि यहाँ बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। एमसीडी के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ पे गंदी नालियाँ, रोड गंदे, यहाँ के देखो बहुत परेशानी है। तो इस बार परिवर्तन होगा? मैं तो चाहता हूँ परिवर्तन ही हो जाए। इसको मौका मिलना चाहिए आपके साथ, मेरे हिसाब से कांग्रेस को एक मौका जरूर और दोबारा मिलना चाहिए। आंटी आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, समस्याएं आपकी उम्र भी बहुत कम। बचपन से देखी है और बचपन से हम तो कांग्रेस को ही देते आए। अच्छा, वोट हमारे नाना नानी दादा दादी सब हाथ को ही देंगे हम कांग्रेस को। अच्छा, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कांग्रेस? कांग्रेस को ही देंगे हम तो। अच्छा कांग्रेस को देंगे, क्यों? क्यों कांग्रेस? क्यों कांग्रेस हमें शुरू से अच्छी लगती है। अच्छा अच्छी लगती है इसलिए आप, बाकी मुद्दे जो हैं आपकी समस्याओं को लेकर? मुद्दे ये काम कि किसी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, अभी वोट के समय सब कोई आ रहा है, हमें देना हम तो कांग्रेस को ही देंगे।
देखिए अलग अलग राय है लोगों की यहाँ पर, और कुछ और लोगों से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता है, जनता अपनी राय को जानना और समझना बखूबी जानती है, और इसीलिए हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि एमसीडी इलेक्शन में आखिर दिल्ली की जनता की नब्ज क्या है, दिल्ली की जनता आखिर क्या चाहती है, इस बार दिल्ली का बॉस कौन, आप बताइए भाई साहब, दिल्ली का बॉस कौन एमसीडी में पिछले 15 साल से, ये हटा लीजिए गमछा, हाँ चेहरा दिखाइए, बहुत अच्छा चेहरा, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार बदलाव हो जाएगा, तो बदलाव तो आप ही लोग करेंगे ना, क्या चल रहा दिमाग, चल रहा है वही कांग्रेस से देगा, कांग्रेस को देंगे, क्यों कांग्रेस को देंगे, हैं सब देगा कांग्रेस से देगा, क्या वजह तो बताइए, मुद्दे बताइए कांग्रेस ने आपके लिए, आप ओकरा लिए आप क्या है नहीं है वही जानेगा ना आंटी, अभी चुनाव अभी एमसीडी का चल रहा है, अभी आने वाला है इलेक्शन, वोटिंग होने वाली है, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सी चीज़ें पार्टियों को देखा होगा, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज है, इस बार बीजेपी कह रही है कि दोबारा से वो सत्ता में आएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल हैं उनके जो नेता हैं वो आप लोगों के बीच में भी आ रहे होंगे, बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी ने काम नहीं किया, क्या लगता है आपको होगा, आप चाहते हैं कि इस बार बीजेपी हटके कोई दूसरी पार्टी आए एमसीडी में, कुछ तो बोलिए, देखिए हम बचपन से जब से हम खड़ा वोट में खड़ा हुए हैं तब से हम हाथ छाप दे रहे हैं, एकदम ये में तकलीफ मानिए अच्छा मानिए, कांग्रेस को ही वोट देते हैं, हाँ शीला दीक्षित जब थी तब, आप जब से दिए हैं तब से हम कांग्रेस में दिए हैं, आप बताइए केजरीवाल अच्छे नहीं लगते हैं क्या आपको, हाँ सब अच्छे लगते, फिर क्या समस्या आया, कांग्रेस को लोग ज्यादा कह रहे हैं कि वोट देंगे, बीजेपी पिछले 15 सालों में काम नहीं हुआ है, हाँ हुआ है सब करते हैं काम हुआ है, हाँ आएंगे? इस बार दिल्ली का बॉस कौन, आएंगे तो कांग्रेस ही आएंगे, बोले इस बार दिल्ली का बॉस कौन, बीजेपी होगा, क्योंकि अच्छा काम करता है वो, केजरीवाल अच्छे नहीं लगते, नहीं सर कोई काम तो बताए भी केजरीवाल, हम ये काम करके दिखाए हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल का टाइम अच्छा किया है, वहाँ दवाई नहीं मिलता है, राशन में कर रहा है हर चीज में, वो टैक्स जो ही जा रहा है, GST जो बढ़ाया है ना, अखन दूध का रेट भी बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया, सरसों तेल जो है ना उसका भी रेट बढ़ा दिया ना, तो बिजली फ्री किस चीज़ में कर रहा है, कि कहाँ लेडीज़ को दे रहा फ्री दे रहा, बस ने आप कह रहे हैं लॉकडाउन फिर करूँगा, वो टेकरीवाल ने फिर कह रहा है हम लॉकडाउन करूँगा, कौन सा प्रदूषण यहाँ पर है, मजदूर के लिए प्रदूषण होता है, कौन सा प्रदूषण यहाँ पर है बताओ, टेकरीवाल बोल रहे हैं प्रदूषण हो रहा है, यहाँ कौन सा प्रदूषण हो रहा है, जब चीज मरता है तो ये लेबर क्लास का आदमी मर रहा है, मजदूर मर रहा है, प्रदूषण होता है, प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है, जो नेता कह रहे हैं कि भैया दिल्ली का दम घुट रहा है लोगों का, कौन सा काम हुआ दिल्ली में बताओ ना, जो शीला दीक्षित कर गए दिल्ली के अंदर काम कौन सा नेता कर गया है ये बताओ, यार हमारे यहाँ विकास का काम जो हो रहा है हमारे झुग्गियों के अंदर कौन सा नेता है, पिछले 5 साल बबीता खन्ना रह गई यहाँ पे हमारे चित्रा बिहार के अंदर, और किसी भी आदमी से पूछिए बबीता खन्ना क्या काम करके यहाँ पे किया है यहाँ के लोगों के लिए, आखिरी राज चाचा आप बताइए आपका नाम, मेरा नाम मोतीउल्ला है, आप बताइए कि लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, एमसीडी का इलेक्शन नज़दीक है, 3 बार से बीजेपी है एमसीडी में, इस बार बताए कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, तो आपके मन में क्या चल रहा है, भाई परिवर्तन जैसे होगा परिवर्तन नहीं होगा या बीजेपी रिपीट करेगी, नहीं नहीं होना चाहिए वैसे, कौन सी पार्टी को मौका देंगे, बात यह है कि सफाई का काम तो हुआ नहीं ठीक, नहीं हुआ है ना, क्या होना चाहिए, अब जो सफाई का इंतज़ाम करें जो बेहतर हो भाई वो करें, जैसी परेशानी अब तक हुई है 2 बार से बीजेपी रही है उससे इतनी परेशानी तो पहले कभी हुई नहीं है, है ना, कूड़े का ढेर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, ठीक ये है, अलग अलग समस्याएं हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं आप इस बार परिवर्तन हो एमसीडी में दिल्ली में, देखिए इतना आसान है परिवर्तन, देखिए परिवर्तन होना चाहिए, आज ये चुनाव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है चुनाव, ये लोकल चुनाव है, हमें देखना है कांग्रेस, हमें देखना आम आदमी पार्टी, हमें देखना है बीजेपी, ये लोकल चुनाव में हम राष्ट्रीय मुद्दा को नहीं लाएंगे, हम क्षेत्रीय मुद्दा को लाएंगे, जो हमारा काम करे, हमारे घर की साफ सफाई, रोड खरंजा, जो हमारा काम करे, मेन कारण है कि हम लोग का लोकल काम है तो लोकल आदमी को हमें चुनना है, हमें बाहरी आदमी को नहीं चुनना होगा, हमें छोटे छोटे काम पड़ता है, छोटे छोटे जो काम पड़ता है वो हमारे लोकल काम पड़ता है, नेशनल मुद्दा जो है, राष्ट्रीय मुद्दा जो है मोदी जी के लिए है, उसके लिए भी हम लोग आगे हैं, आगे रहे, दिल्ली का बॉस कौन, एक लाइन में मैं पूछ रहा हूँ, इस बार दिल्ली का बॉस, देखिए हम तो आम जन से भी कहते हैं कि 3 आदमी हैं हमारे बीच में, 3 आदमी में जो अच्छा लगे,
ना तो बीजेपी देखो, ना कांग्रेस देखो, ना आम आदमी। अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति अच्छा, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति अच्छा है या बीजेपी के व्यक्ति अच्छा है, आप उनको समर्थन दीजिए, आप उनको वोट दीजिए, वही हमारा काम करेगा। ठीक है, अलग अलग राय है, तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना, क्योंकि वक्त की पाबंदी रहती है। इसीलिए चित्र बिहार की जनता का ये मूड था, यहाँ पर लोगों ने अपनी राय दी। जोरदार तालियां अपने लिए आप लोग बजा दीजिए, बहुत अच्छी, लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। लेकिन अब ये देखना होगा कि एमसीडी में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी या इस बार परिवर्तन होगा, ये तो दिल्ली की जनता को ही तय करना है। मुझे और मेरा कैमरा पर्सन डीपी यादव को दीजिए आज के लिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और जगह। लोगों की समस्याएं आप तक सीधे पहुँचाएंगे जेपीटी लाइव के साथ। नमस्कार।